गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक क्लास 9th। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 लाइंस एंड एंगल्स, चैप्टर वाज गोइंग ऑन। और आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.2। तो आज का ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखें और ये एक्सरसाइज आज हम पूरी सॉल्व करेंगे और इसको सीखेंगे। एनसीईआरटी बुक अपने साथ रखिएगा अगर आप इस वीडियो के साथ और अच्छा जस्टिस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो। सो लेट अस बिगिन एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक फिगर हमें गिवन है जिसमें ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, और ये एंगल 50 डिग्री गिवन है। वन एंगल इज मिसिंग एक्स, 130 डिग्री, और ये वाला एंगल है वाई। तो ये हमसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। अच्छा, ए बी और सी डी पैरेलल हैं ऐसा हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है, और एक्स और वाई निकालने हैं। फाइंड एक्स कॉमा वाई। तो देखिए ये वाला एंगल 130 डिग्री हमें गिवन है, है ना। अगर ये 130 है तो y कितना होगा, 130 डिग्री। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये प्रॉपर्टी आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसको आप कंप्लीट लिखें, ठीक है। फिर अच्छा y आ गया 130 डिग्री, y 130 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 130 डिग्री होगा। अच्छा y 130 डिग्री आ रहा है, और अगर हम ऐसे सोचें x कितना आएगा। अगर आप देखें ये जो है एक स्ट्रेट लाइन है ना, इसका कोई नाम नहीं है, तो इस एक काम करता हूँ मैं इसको नेम दे देता हूँ MN। MN इज़ अ स्ट्रेट लाइन, MN इज़ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाती है, 180 डिग्री एंगल बनाती है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यानी कि 50 और x दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ब्रैकेट में रीज़न क्या आएगा, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर की वजह से 50 प्लस एक्स 180, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 130 डिग्री। जब एक्स 130 डिग्री आया और इधर भी 130 डिग्री एंगल है, इन दोनों एंगल्स पर ज़रा ध्यान दो। मतलब अगर ये पॉइंट मिसिंग है और इसको नेम देने में अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो एक काम करता हूँ मैं इसको ओ ले लेता हूँ और इस पॉइंट को जेड ले लेता हूँ। देखिए तो एंगल ए ओ जेड, एंगल ए ओ जेड जो कि एक्स था, और यहाँ जो वाई है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। आप देखें ए ओ जेड और वाई कौन सा है, एंगल ओ जेड डी, है ना, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, एक्स और वाई इक्वल आ रहे हैं, बोथ आर इक्वल टू 130 डिग्री। ये क्या प्रूफ करता है, कौन से एंगल हैं आपस में, ए ओ जेड और ओ जेड डी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड दीज टू आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और दीज टू आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हैंड राइटिंग मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो प्लीज़ इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इक्वल हो गए। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब इक्वल आ सकते हैं, जब दो लाइंस पैरेलल होंगी तभी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आएंगे। जेड बनने वाली इक्वेशन अगर बन रही है, इसका मतलब ए बी और सी डी पैरेलल होंगे, तो हैंस ए बी पैरेलल सी डी। इज इट क्लियर, समझ में आ गया सभी को, तो नोट कर लीजिए इसको। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड एनसीईआरटी। तो जैसा आप देख सकते हैं फिगर यहाँ पर गिवन है, ए बी और सी डी पैरेलल हैं, सी डी और ई एफ पैरेलल है। तो जब ए बी और सी डी पैरेलल हैं, सी डी और ई एफ पैरेलल हैं, तो ए बी और ई एफ भी पैरेलल होंगे, है ना, ठीक है। सो और वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7। तो पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जो एक्स दिख रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा ये वाला अगर एंगल जेड है और सी डी और ई एफ पैरेलल हैं, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, तो अगर ये एंगल जेड है, ये एंगल भी जेड ही होगा, वाई करस्पॉन्डिंग एंगल। पर इसको हम लिखेंगे कैसे, तो इसका कुछ नाम होना चाहिए। फिर से एक काम करते हैं, एम मेरा फेवरेट लेटर हो चुका है, एन भी ले लेते हैं, और यहाँ पर ओ ले लो, यहाँ पर जेड ले लो। अच्छा जेड ऑलरेडी है, कन्फ्यूज़न होगा, तो इसको 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 क्यू ले लो। तो एंगल ओ क्यू डी, और यहाँ पर पी ले लो, एंगल ये देखिए ओ क्यू डी, है ना, इज इक्वल टू होगा एंगल क्यू पी एफ, इज इक्वल टू जेड, और ब्रैकेट में रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स।
करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं अगर दो पैरेलल लाइन जा रही हैं और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो क्या होगा, इक्वल एंगल बनाते हुए जाती है ट्रांसवर्सल। तो ये दो पैरेलल लाइन सी डी और ई एफ ट्रांसवर्सल गई तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, जैसा हमने देख लिया। अब देखिए सी डी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, सी डी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है, स्ट्रेट लाइन बनाती है 180 डिग्री एंगल, यानी कि y और z का सम कितना होगा, y प्लस z 180 डिग्री होगा, और रीज़न क्या आएगा, लीनियर पेयर। ओके डियर, सो लीनियर पेयर y और z का सम, और y और z का रेशियो में दे रखा है 3:7, इसको ज़रा यूज़ करो। तो लेट y इज इक्वल टू 3, कौन सा लेटर अभी तक यूज़ नहीं हुआ है, पी यूज़ हुआ है, पी हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं है, ए बी ए यूज़ नहीं हुआ है, चलिए ए ले लेते हैं, स्मॉल ए तो यूज़ नहीं हो ना, वाई को 3a ले लो, जेड को 7a ले लो, ठीक है, उसी रेशियो में एज्यूम करना होगा जिस रेशियो में हमें गिवन था। अब क्या करेंगे, वाई और जेड का सम 180 डिग्री है, यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 180 डिग्री, 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 18 डिग्री, a आ गया 18 डिग्री। हमसे उसने x की वैल्यू पूछी है ना, तो पहले तो z निकाल लीजिए, हाउ मच विल बी द वैल्यू ऑफ z, z वॉज इक्वल टू 7a, यानी कि 7 × 18, 7 जा 126 डिग्री, z की वैल्यू आ गई 126, x कितना होगा, x भी 126 ही होगा, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, तो x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 126 डिग्री इन ब्रैकेट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो दिस इज व्हाट वी नीडेड टू कैलकुलेट, और ये आ गया इसका आंसर, इज इट क्लियर, नोट इट डाउन। सो क्वेश्चन नंबर 3, ए बी पैरेलल है सी डी के इस गिवन फिगर में, ठीक है, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, जैसा आप देख भी सकते हैं ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री बन रहा है। फिर हमसे वो क्या पूछ रहा है, इसमें एंगल जी ई डी हमें गिवन है 126 डिग्री, फाइंड एंगल ए जी ई, जी ई एफ, एफ जी, ये एंगल्स हमें कैलकुलेट करने हैं। सो देखिए एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री, इस फिगर को ज़रा ध्यान से देखें, तो जी ई डी को हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल जी ई डी को एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, जी ई डी इन दोनों एंगल्स का समी तो है, दैट इज़ गिवन टू अस 126 डिग्री, है ना, तो जी ई एफ तो हमें मालूम ही नहीं है, और जी ई एफ हमसे पूछा भी हुआ है क्वेश्चन में, तो जी ई एफ को तो जी ई एफ ही रहने दो, एफ ई डी, एफ ई डी कितना एंगल 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, प्लस 90 इज इक्वल टू 126, तो एंगल जी ई एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 126 माइनस 90 कितना आ जाएगा, 36 डिग्री, ये आ गया एंगल जी ई एफ। तो इस ट्रायंगल का एक एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 36 डिग्री, और कौन कौन से एंगल वो हमसे पूछ रहा है, फाइंड एंगल ए जी ई, इस एंगल पर ज़रा ध्यान दो, ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल है, ए जी ई पूछ रहा है, ए जी ई जी ई डी के इक्वल होगा या नहीं, बिल्कुल होगा, कौन से एंगल से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, तो एंगल ए जी ई विल बी इक्वल टू एंगल जी ई डी, विच प्रॉपर्टी दे आर यूजिंग, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो यहाँ पर एंगल ए जी ई, जी ई डी तो हमें ऑलरेडी मालूम ही था 126, इतना ही आ जाएगा, तो एंगल ए जी ई भी निकल गया मिसिंग एंगल्स में से। अब वो पूछ रहा है एंगल एफ जी ई, एफ जी ई, दिस एंगल वी हैव टू कैलकुलेट, जब ये वाला एंगल आ गया, ये एंगल कितना आ गया 126, तो एफ जी ई निकालना बहुत ईजी हो चुका है, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर है, 126 और एफ जी ई लीनियर पेयर है, एक स्ट्रेट लाइन के पार्ट हैं। सो एंगल एफ जी ई प्लस एंगल ए जी ई दोनों का सम होगा 180 डिग्री, कौन से एंगल्स हैं, लीनियर पेयर, है ना, लीनियर पेयर। सो अब वैल्यूज रख दो, एंगल ए जी ई कितना है 126, तो एंगल एफ जी ई प्लस 126 विल बी इक्वल टू 180, एंगल एफ जी ई कितना आ जाएगा,
180 में से 126 माइनस करो, 54 डिग्री. दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. नोट इट डाउन. यस, सो क्वेश्चन नंबर 4, एनसीईआरटी 6.2. तो हमें फिगर दे रखा है. देखिए, इस फिगर में एंगल पी क्यू आर 110 है, एंगल आर एस टी 130 डिग्री है, और एंगल क्यू आर एस मीन्स दिस एंगल क्यू आर एस, ये एंगल हमें कैलकुलेट करना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन में इसकी एक ट्रिक है जो आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, याद होनी चाहिए. दैट इज़, हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन करते हुए, ठीक है. और इसको कुछ भी नाम दे दो, ए बी जैसे हमने नाम दे दिया, तो कंस्ट्रक्शन में लिख सकता हूँ, कंस्ट्रक्शन मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि हमने अपने आप से किया है. ड्रॉ ए बी पैरेलल टू पी क्यू. जब ए बी पी क्यू के पैरेलल है तो अपने आप ही एस टी के भी पैरेलल होगा, क्योंकि पी क्यू और एस टी आपस में पैरेलल है. तो ए बी विल बी पैरेलल टू पी क्यू एज वेल एज एस टी. ये हमने कंस्ट्रक्शन किया. अब देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एंगल ए आर क्यू और ये वाला एंगल, देखिए इसको मैं 1 भी कह सकता हूँ, ए आर क्यू भी कह सकता हूँ. ए आर क्यू और आर क्यू पी, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि अगर दो पैरेलल लाइंस हो, ट्रांसवर्सल कट कर रही हो, द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर को इंटीरियर एंगल और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स. कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है. सो क्या आएगा रीजन? को इंटीरियर. तो अब लगा दो ए आर क्यू, ये तो हमें मालूम ही नहीं है, है ना. तो इसको ए आर क्यू को एंगल 1 रहने दो, प्लस आर क्यू पी 110 इज इक्वल टू 180. तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70 डिग्री, ठीक है. इसी तरीके से यहाँ पर भी देखो, इसे एंगल 2 कह दूँ अगर मैं, एंगल टी सॉरी एस आर बी, एंगल एस आर बी और दूसरा एंगल कौन सा होगा? आर एस टी, इन दोनों का सम कितना होगा? 180. फिर से क्या रीज़न रहा? को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स. सो अब देखिए, एंगल एस आर बी कितना है? एंगल 2 प्लस 130 इज इक्वल टू 180. तो यहाँ से एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 डिग्री, है ना. एंगल 2 भी निकल गया, एंगल 1 भी निकल गया. अब क्यू आर एस पूछा हुआ है. ये तीनों ही एंगल्स 1, 2 और क्यू आर एस एक स्ट्रेट लाइन का पार्ट है. इन तीनों का सम कितना होगा? 180, क्योंकि ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन. ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इस वजह से एंगल 1 प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल 2 तीनों का सम 180 डिग्री. एंगल 1 कितना आ रहा था? 70 डिग्री. क्यू आर एस कितना है? नहीं मालूम, यही तो निकालना है. प्लस एंगल 2 कितना था? 50. तीनों का सम इक्वल आ गया 180 के. तो 70 50 120 प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180. क्यू आर एस यहाँ से कितना आ जाएगा? 60 डिग्री. दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. नोट इट डाउन. सो क्वेश्चन नंबर 5, इस फिगर में हमें क्या गिवन है? ए बी और सी डी पैरेलल हैं, ठीक है. एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू हमें कितना दे रखा है? 50 डिग्री. पी आर डी, पी आर डी 127. एक्स और वाई हमें कैलकुलेट करना है. तो देखिए, अगर आप ध्यान दें, ये 127 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा बताइए? इस एंगल को आप आराम से निकाल सकते हैं. एंगल 1 कितना होगा? तो एंगल 1 प्लस 127 बोथ विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना. दोनों का सम 180 होगा. क्यों? लीनियर पेयर, एक स्ट्रेट लाइन के पार्ट है. तो यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 127 डिग्री, माइनस कर लो, 53 डिग्री आ जाएगा एंगल 1. एंगल 1 आ गया 53 डिग्री. अब अगर आप ध्यान दें, ये ए बी और सी डी पैरेलल हैं. ये देखिए, जो ए पी आर
जो एंगल ए पी आर है ये किसके इक्वल होगा बताइए, ऑल्टरनेट इंटीरियर किसका है, ए पी आर, एंगल पी आर डी का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी, रीजन आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ए पी आर तो दो एंगल्स के सम के इक्वल है, कौन कौन से, 50 और y, तो हम लिख सकते हैं 50 प्लस y इज इक्वल टू 127, यहाँ से y निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 127 माइनस 50, 77 डिग्री आ जाएगा आंसर y। अच्छा y आ गया कितना 77 डिग्री। x को हम बहुत तरीके से निकाल सकते हैं, वैसे x सीधे सीधे 50 डिग्री होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है किसका, 50 का, 50 का नाम भी तो होगा, तो नाम लिखेंगे ना, तो एंगल ए पी क्यू विल बी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, और रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब वैल्यू रख दो, ए पी क्यू कितना है 50 डिग्री और पी क्यू आर कितना है x, तो x विल बी इक्वल टू 50 डिग्री। x और y हमसे पूछा था, दोनों हमने कैलकुलेट कर दिए, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, इज इट क्लियर, नोट इट डाउन। सो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आप देख सकते हैं दो पैरेलल मिरर हमें गिवन है, दो पैरेलल मिरर हमें गिवन है पी क्यू और आर एस, और ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर देखिए इंसिडेंट कर रही है, रिफ्लेक्ट होके गई, दूसरे मिरर पर इसने इंसिडेंट किया, फिर से रिफ्लेक्ट होकर गई सी डी, ठीक है। हमें जो प्रूफ करना है ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूफ करना है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर ना, देखिए हमें साइंस के साथ, मैथ्स के साथ साथ यहाँ पर साइंस भी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट चैप्टर यूज़ होने वाला है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ये रे देखिए ए बी रे, ये इंसिडेंट की और फिर रिफ्लेक्ट होकर गई, जब इंसिडेंट रे जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, तो उस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। सो ड्रॉ आ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये रहा नॉर्मल, ठीक है, 90 डिग्री पर आपने एक नॉर्मल बना दिया, नॉर्मल। तो अब इसको कोई नाम दे दो, देना चाहो तो मान लो पॉइंट M दे दिया, तो दिस इज़ अ नॉर्मल। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जितना एंगल, मान लीजिए इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस है I1 और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है R1, तो एंगल I1 विल बी इक्वल टू एंगल R1, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से होता है, यह आपने पढ़ा भी होगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, फिर सेकंड लॉ यही था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ बनता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, तो ये I1, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में R1, तो ये दोनों इक्वल होंगे। अब देखिए रे ऑफ लाइट यहाँ पर कैसा वर्क कर रही है, यहाँ से तो ये रिफ्लेक्टेड होते हुए जा रही है, लेकिन मिरर RS के लिए ये कैसा काम कर रही है, इंसिडेंट रे का, तो इंसिडेंट रे आ रही है तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल होना ज़रूरी है। एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो, सपोज इसको नाम दे दिया N, तो नॉर्मल, फिर से इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनेगा, सपोज दिस एंगल इज I2, है ना, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनेगा, सपोज दिस इज R2, तो एंगल I2 विल बी इक्वल टू एंगल R2, व्हाई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से ये दोनों एंगल्स इक्वल रहेंगे। और कुछ हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन की कुछ इंफॉर्मेशन अगर मैं लिखना भूल गया हूँ, सो आई शुड जस्ट गो थ्रू दैट। An incident ray, the reflected ray PQ moves and strikes the mirror RS at C and again reflect back at CD. Prove that AB is parallel to CD. AB और CD को हमें parallel proof करना है, ठीक है। अच्छा ये दोनों mirror parallel already हैं, इससे अच्छी बात क्या होगी, PQ is parallel to RS, है ना, ये हमें मालूम है कि given है, PQ और RS parallel हैं। तो आप बताइए अगर कौन कौन से एंगल्स इससे इक्वल होंगे पी क्यू और आर एस के इक्वल होने से, I1 और R1 इक्वल है, I2 और R2 इक्वल है, अगर आप इसको ऐड कर लें इन दोनों को, देखिए ये दोनों एंगल्स जो होंगे, मतलब कि एंगल ABC I1 प्लस R1 इज इक्वल टू I2 प्लस R2 होगा या नहीं, ऐसा कुछ बनेगा, देखिए I1 और R1 इक्वल है, I2 और R2 इक्वल है, तो I1 प्लस R1 will be equal to I2 plus R2, ये हो जाएगा, है ना, तो I1 plus R1 क्या बन जाएगा बताइए,
आई वन प्लस आर वन बन जाएगा एंगल ए बी सी, है ना, इज इक्वल टू आ जाएगा एंगल बी सी डी, ये आ जाएगा। तो ए बी सी और बी सी डी इक्वल आ गए, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी और सी डी दोनों पैरेलल होंगे, तभी तो इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। ए बी सी इज इक्वल टू बी सी डी, हैंस ए बी पैरेलल टू सी डी, दिस इज वॉट वी नीडेड टू प्रूव, नोट इट डाउन।